सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात। गुजरात के पाटन नगर से 30 किलोमीटर दक्षिण में मोढेरा गांव में यह विख्यात सूर्य मंदिर स्थित है। यह एक प्राचीन सूर्य मंदिर है और अपने स्थापत्य में कला एवं शिल्प का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। सन 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत के प्राण सूर्य में ही बसते हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, ये एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। हे सूर्य पुत्र बलकारी, प्रभु रखना लाज हमारी। कुछ और न मांगे भक्त तुम्हारे, मांगे दया तुम्हारी। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्म वैरवत पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी सूर्य प्रेरक ही है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा एवं ब्रह्म बताया गया है। प्रभु ये भारी है सूर्य पुत्र बलकारी, तुम रखना लाज हमारी। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा पालन सूर्य ही करते हैं। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें से आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में भी सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। माना जाता है कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण सम्राट भीमदेव सोलंकी प्रथम ने करवाया था।
कहते सब नर नारी है सूर पुत्र बलकारी, प्रभु रखना लाज हमारी। कुछ और न मांगे भक्त तुम्हारे, मांगे दया तुम्हारी। इस आशय की पुष्टि एक शिलालेख करता है जो मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर लगा हुआ है, जिसमें मंदिर निर्माण का काल विक्रम संवत 1083 अर्थात 1025 से 1026 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। भारत में 3 सूर्य मंदिर हैं, जिसमें पहला उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, दूसरा जम्मू में स्थित मारतंड मंदिर और तीसरा गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर। रुष्ट न होना हमसे दाता, हम हैं तेरे पुजारी है सूर पुत्र बलकारी, प्रभु रखना लाज हमारी। कुछ और न मांगे दास तुम्हारे, मांगे दया तुम्हारी। शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का उपयोग नहीं किया गया। ईरानी शैली में निर्मित इस मंदिर को भीमदेव ने 2 हिस्सों में बनवाया था, पहला हिस्सा गर्भगृह का और दूसरा सभा मंडप का। मंदिर का गर्भगृह अंदर से 51 फुट 9 इंच लंबा और 25 फुट 8 इंच चौड़ा है। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 खंबे हैं। इन खंबों पर बेहतरीन कारीगरी से विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों और रामायण तथा महाभारत के प्रसंगों को उकेरा गया है। इन खंबों को नीचे की ओर देखने पर वे अष्टकोणाकार और ऊपर की ओर देखने पर गोल दृश्यमान होते हैं। सूर्य मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है, अतः सूर्य मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के गर्भगृह में बनी सूर्य भगवान की मूर्ति पर पड़े। माना जाता है कि ऐसा वर्ष भर में केवल 2 बार ही होता है। पहला 21 मार्च जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है और दूसरा जब सूर्य मंदिर के ठीक सामने से उदित होता है और उसकी पहली किरण पुराने समय में जहां सूर्य भगवान की मूर्ति थी उस स्थान पर पड़ती है। मंदिर के सामने एक विशाल कुंड है जिसे राम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो कि कुंड में स्थित जल तक जाती हैं। इस कुंड की सीढ़ियों के कोनों में देवी देवताओं की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं। ये कुंड 176 फुट लंबा है और 120 फुट चौड़ा है। काशी बहुत ही सुंदर है, जिस पर लोक परलोक और महाभारत काल के प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा संचालित सूर्य मंदिर परिसर में एक उद्यान भी है। मंदिर में श्री उमिया माता की मूर्ति की स्थापना की गई है। वेदों में धन धान्य तथा समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने वाली उषा देवी ही उमा देवी या उमिया माता है।
यहाँ माँ दुर्गा की भी स्थापना की गई है। दुर्गा पार्वती का ही दूसरा रूप है। हिंदुओं के शाक्त संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। पुराण दुर्गा को ही आदि शक्ति मानते हैं। दुर्गा की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर हुई थी। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विन संसारी, अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणा ते वारी, हारी पढ़ लो आता संकट निवारी, जय देवी जय देवी। इस तरह दुर्गा युद्ध की देवी हैं। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी का है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला रूप। माँ दुर्गा को लाल वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। माता के साथ चांदी का सिंह विराजमान है। माता ने गले में सोने के रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट विराजमान है। संपूर्ण श्रृंगार में माता बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। महादुर्गाए धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वर्षों तप किया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तथा महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के परम पूज्य तीर्थंकर हैं, वे भी विराजमान हैं। श्री सूर्य मंदिर की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इस मंदिर की शिल्पकला इतनी निपुणता से की गई है कि जितना भी देखें मन नहीं भरता। इस मंदिर को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर अपनी भव्यता तथा आकर्षक निर्माण शिल्प के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां सर्वश्रेष्ठ कलाकृति का नमूना है। मंदिर की दीवारों पर भगवान सूर्य की छवियों को उकेरा गया है। मंदिर में दो बार आरती की जाती है। पहली आरती सुबह में, तथा दूसरी आरती संध्या में की जाती है। यह आरती घंट तथा शंखनाद पर की जाती है। आरती के समय यहाँ का वातावरण आरती के स्वर से मधुर हो जाता है। मन में अप्रतिम शांति की अनुभूति होती है। मंदिर का गुंबज बहुत आकर्षक है। गुंबज पर बहुत सारी छवियां अंकित की गई हैं। गुंबज इतना ऊंचा है मानो गगन को छू रहा हो और भगवान सूर्य को नमस्कार कर रहा हो। ये मंदिर हमारी वैदिक कला का एक श्रेष्ठ नमूना है तथा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसे देखने पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। भक्तगण दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं और भगवान सूर्य अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। ओम आदित्याय नमः।